रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा के घासपुरा क्षेत्र में हुए गैस अग्निकांड के मामले के बाद जिला प्रशासन की टीम द्वारा आज 3 एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से गैस गोडाउन चलाने के मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा 3 लोगों पर अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें बरूड़ गांव के अहिंसा गैस एजेंसी के संचालक प्रतीक मिश्रा पर 6 गांव मखन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वह स्टॉक अंतर मिला था, रिकॉर्ड अपडेट नहीं था। वही दूसरा आरोपी राजेश उर्फ राजा को गैस सिलेंडर देने के आरोप में आरोपी राजेश उर्फ राजा पर आज दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। पदम नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी द्वारा अपने दूसरे घर से गैस की टंकी सप्लाई करता था। कावेरी स्टेट कॉलोनी में इसके दूसरे घर से पुलिस ने 12 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पदम नगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। वही तीसरा मामला लाल चौकी क्षेत्र का है, जहां हकर घनश्याम धीमान के घर से अवैध सिलेंडर मिलने पर मोगट पुलिस ने थाने में एफआईआर दर्ज की है। मामले में अब तक कुल 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बुधवार देर शाम को घासपुरा में हुआ था अग्निकांड। घर में बने अवैध गोदाम में 40 से अधिक ब्लास्ट हुए थे। इस मामले में आरोपी राजेश उर्फ राजा पर कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था केस, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। घटना स्थल से अब तक 88 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जिसका मलबा अब भी उगल रहा है सिलेंडर। मामले में फूड इंस्पेक्टर अमित चौहान को किया गया था सस्पेंड। वही फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार नागराज ने शहर के लोगों से अपील की कि यदि आपके क्षेत्र में कहीं भी अवैध तरीके से गैस गोदाम और कोई भी सप्लाई करता है तो उसकी सूचना तुरंत खाद्य विभाग की टीम को दे, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये अग्निकांड के पश्चात जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के साथ हम लगातार जहाँ जहाँ से सूचनाएं मिल रही वहाँ पर दबिश देकर जांच कर रहे हैं, और जांच करके हमको जो सामग्री प्राप्त हो रही है उनके विरुद्ध हम लगातार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आज हमने इसी घटना में एक एफआईआर 6 गांव माखन थाने में दर्ज कराई, जो अहिंसा एचपी गैस एजेंसी के प्रोवाइडर हैं उनके खिलाफ दर्ज कराई। एक एफआईआर हमने जो राजेश पवार हैं जिसका घासपुरा में घर था, तो उसके घर की सूचना मिली थी, तो हमने कल उसके घर पे जाके ताला तोड़कर वहाँ जांच की थी पुलिस के एसडीएम साहब की उपस्थिति में, तो वहाँ भी हमको टंकियाँ प्राप्त हुई थी। तो हमने राजेश पवार की एक एफआईआर आज पुलिस थाना पदम नगर में दर्ज कराई, और एक लाल चौकी के पास है घनश्याम धीमान, उसके घर में हमने जाँच की थी हाकर से, चूंकि वो एचपी गैस एजेंसी का, किंतु उसके यहाँ भी हमको अवैध सिलेंडर मिले, तो हमने आज घनश्याम धीमान की भी एफआईआर मोगट थाने में दर्ज कराई, और लगातार ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। अब तक कुल कितनी एफआईआर हो रही है? अभी तक सर 4 एफआईआर हो चुके हैं, 4 एफआईआर हो चुके हैं। आगे क्या कुछ कर रहे हैं? आगे बस लगातार ये सघन जांच हमारी चलती रहेगी, जिला प्रशासन की लगातार पुलिस के साथ में संयुक्त जांच चलेगी। अभी तक जो घटनास्थल था वहाँ पे कुल कितने सिलेंडर मिले हैं? अभी तक हमने सर वहाँ पर कुल 88 सिलेंडर जब्त कर चुके हैं, और भी हाँ, अभी हमारा प्रयास ये है कि थोड़ा बहुत जो मलबा बचा हुआ है तो नगर पालिका के सहयोग से हम वहाँ पर मलबे को और साफ करवाएंगे, और अगर उसमें से निकलती है तो फिर उन टंकियों की संख्या हमारी उसमें बढ़ाएंगे, किंतु आज हमने जो देखा तो वो हमको उतनी टंकियाँ प्राप्त हुई, किंतु फिर भी अगर आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि सर इसको आप खोदेंगे तो और मिलेगी, तो आजू बाजू वालों की संतुष्टि के हिसाब से आज जिला प्रशासन की टीम, नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनकी उपस्थिति में कल फिर एक बार हम उस घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, किंतु ये जांच की कार्रवाई सतत चलती रहेगी, ये आप रुकेगी नहीं। मैं जिला प्रशासन की ओर से आम नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ
कि यदि आपके आस पड़ोस में इस टाइप का कोई व्यापार हो रहा है, कोई व्यक्ति टंकी लेकर आ रहा है और घर में संग्रहित कर रहा है और घर से किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा है, तो उसकी तत्काल सूचना आप जिला प्रशासन को दें। हम उसकी सूचना पर उसका नाम गोपनीय रखेंगे, उसके नाम को कहीं उजागर नहीं करेंगे और तत्काल हम छापामार कार्रवाई करके संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग